कर दूँ? हो टाइम है कि ऊपर, हाँ फिर ठीक है, सब ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या स्टार्ट करते हैं? नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा वेक्टर्स के बारे में और अब पढ़ते हैं नया चैप्टर। वेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये नहीं स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा नाम है मोशन इन वन डी, मोशन इन वन डी ऐसे भी बोलते हैं, मोशन इन वन डी। वन डी का मतलब है वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन का मतलब यही है स्ट्रेट लाइन के अराउंड मोशन, स्ट्रेट लाइन के अराउंड मोशन। ये स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से ही कि मोशन है क्या। नाइन क्लास में भी हम मोशन के बारे में पढ़े हैं और मोशन से रिलेटेड हम डिफरेंट पैरामीटर्स हमने समझे हैं, वहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही चैप्टर हम थोड़ा सा इनलार्ज करके पढ़ेंगे और मैथ्स की हेल्प लेंगे इस चैप्टर को बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए। क्या एडवांस मैथ्स की हेल्प लेंगे? एडवांस मैथ्स का मतलब है कैलकुलस की हेल्प लेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसकी हेल्प लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो इसकी स्टडी हम यहां करेंगे। तो बेसिक हम इंट्रोडक्शन से शुरू करें कि मोशन है क्या। मोशन है क्या? मोशन है क्या? मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बस जा रही है और बस जा रही है और बस में दो बंदे बैठे हुए, दो लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और वो दो बंदे जो बैठे हुए हैं बस जा रही है तो एक तीसरा बंदा है सी। सी जो बंदा है तीसरा, वो तीसरा बंदा रोड के किनारे खड़ा हुआ है, रोड के किनारे खड़ा हुआ है और बस को जाते हुए देख रहा है, ठीक है। तो सी बंदा ए के बारे में क्या कहेगा कि ए मोशन में है, ए मोशन में है यानी मूव कर रहा है, ठीक है। वही ए के बारे में बी बंदा क्या कहेगा कि नहीं, ए मूव नहीं कर रहा, ए तो रेस्ट पर है, क्योंकि मैं भी बस में सीट पर बैठा हूं और ए भी सीट पर बैठा है। बी कहेगा मैं भी बैठा हूं सीट पर और ए भी बैठा है सीट पर, तो इसका मतलब हुआ कि बी के रेस्पेक्ट में या बी के रिलेटिवली ए बंदा रेस्ट में है, और जबकि सी के रिलेटिवली जो रोड के किनारे खड़ा हुआ है उसके रिलेटिवली जो ए बंदा है वो किसमें है? मोशन में। इससे हमें समझ में आया कि मोशन कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है मोशन? रिलेटिव क्वांटिटी है। मैं यहां लिख रहा हूं, मोशन कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। यानी एब्सोल्युटली आप किसी के बारे में नहीं कह सकते, जैसे यहां ए के बारे में हम ये कहें कि ए बंदा मोशन में, गलत हो जाएगा, या कहें ए बंदा तो रेस पर, गलत हो जाएगा। यानी डिपेंड करता है, ए मोशन में भी है इसके रिलेटिवली सी के, यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, यहां सी ऑब्जर्वर होगा, और वही ए बंदा रेस पर है इसके रिलेटिवली किसके रेस्पेक्ट में? बी बंदे के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर यहां बी हुआ, यानी ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट है मोशन। समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिलेटिव क्वांटिटी है, नॉट एब्सोल्यूट, यानी ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ रही? तीसरी चीज, इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। ये बात आपको समझ में आई? अब मोशन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर्स में ना मोशन को बताने वाली चीजों को पैरामीटर कहेंगे, क्या उसमें एक्सेलरेशन है और भी चीजें हैं, वेलोसिटी वगैरह, तो वो सब पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब हम मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स की स्टडी करें तो हम बेसिक वही से शुरू करते हैं, वही नाइन क्लास की नॉलेज से, कि नाइन क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते थे उसी को हम ज्यादा डेवलप करते ले जाएंगे, अपने चैप्टर या सब्जेक्ट को और अच्छे से डेवलप करेंगे और इनलार्ज करके पढ़ेंगे और एडवांस। ठीक है, देखिए हम स्टडी कर रहे हैं तो डिस्टेंस की स्टडी करें, सबसे पहले इसकी स्टडी करें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस की डेफिनेशन देखें, नाइन क्लास के हिसाब से भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस है क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन इज नोन एज डिस्टेंस, यानी बॉडी जैसे मूव कर रही है, जिस भी पाथ के अराउंड मूव कर रही है उस पाथ की, उस मोशन के रास्ते की पाथ माने उसकी सचमुच में लेंथ।
ठीक है, समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को। अब ये कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन बी फाइनल, क्यों हम ओशन की स्टडी ए से बी तक की करना चाहते हैं, तो ए पर बॉडी पहले थी और बी पर बाद में पहुंची, तो ये फाइनल पोजीशन कह रहा है। बात का मतलब पहले वाली इनिशियल पोजीशन, तो बॉडी मूव कर रही है ए से बी पर, इस पर कर्ण पात के अलावा, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो कैसे डिफाइंड होगी, ये डिस्टेंस को ऐसा बोलेंगे एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन, पुश। बात समझ में आ रही है इस तरह से। तीसरी दूसरी चीज देखें हम लोग इस केस में एक्चुअल लेंथ कितनी हुई मोशन के पाथ की, तो यहां डिस्टेंस की मैं बातें करूं तो यहां डिस्टेंस इस केस में ए से बी तक की डिस्टेंस जो हुई हमारी वो कितनी हुई, ए बी कर्व पाथ, ए बी कर्व लेंथ इस तरह। तो कर्व लेंथ का मतलब ए बी आर्क लेंथ, ए बी आर्क लेंथ ऐसे भी बोल सकते हैं हम उसको, और इसको कैसे लिखेंगे इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी कर्व लेंथ या आर्क लेंथ इस तरह, यानी ये वाली लेंथ थी हमारी यहां से लेकर ये सचमुच वाली कितनी है, सचमुच ऐसे चलेंगे सच, यानी ये है लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। समझ में आ रही बात इस तरह से इस तरह। अब यहां पर हम बातें करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे इसी केस में, तो दोबारा मैं डायग्राम को बना रहने देता हूं और डिस्टेंस से अब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बात यहां पर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी नाइन्थ क्लास में, क्या है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टर डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, पूरा बोले तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। बात आपको समझ में आ रही है, तो यहां पर लिखे कि हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इसकी ऑफ पॉइंट। बात समझ में आ रही है आपको, यार यहां देखें तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए यहां से स्टडी कर रहे हैं पोजीशन की, यहां पर पहले मौजूद थी और बी पर बाद में पहुंची, तो बाद का मतलब फाइनल पोजीशन। और शॉर्टर डिस्टेंस कितनी होती है दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट्स की तरह समझो ए और बी, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कौन सी होती है स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होती है, और उन्हीं दो पॉइंट्स को हम किसी कर्व पाथ से मिलाए तो वो वाली डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन वाली से ज्यादा होती है, इसको अगर शॉर्टर डिस्टेंस ये होगी यहां स्ट्रेट लाइन वाली इस तरह। मेरी बात आपको समझ में, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हम ये कहें डिस्प्लेसमेंट कितना है किसका ए से बी तक की मोशन का, कहां से कहां तक की मोशन का ए से बी तक की मोशन का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहां ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यहां ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ, ठीक है ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक। तो ए बी स्ट्रेट लाइन, ए बी इस तरह ए बी स्ट्रेट लाइन लेंथ, ये हो गई। बात समझ में, ज्यादा बेटर डिफाइन करें हम जो हमने नाइन में नहीं किया नाइन क्लास में, तो और ज्यादा इतना तक तो नाइन से आ गया और ज्यादा समझो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस स्केलर है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, ये सब चीज है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे बोलेंगे और ज्यादा डिफाइन करें अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में कितना है ए बी वेक्टर, कितना है ए बी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे फाइनल पोजीशन सॉरी ए बी वेक्टर, देखो इस तरह ए बी वेक्टर मतलब इस तरह से, यानी बॉडी कहां से कहां तक गई ए से बी पर गई, तो बी की तरफ एरो हेड रखेंगे फाइनल पोजीशन की तरफ ए पर एरो हेड रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही थी आपको, तो ए से बी पर गई तो ए बी वेक्टर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, चल बी पर एरो हेड आएगा और कितना आया एरो, एरो का नाम क्या आया
डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो और क्या करें हम, देखो यहां ये हम ए भी वेक्टर बना रहे हैं अपना, ये इसका ठीक है, यहां ए भी वेक्टर ठीक है, ए भी वेक्टर बना रहे हैं। अब कहीं ऑरिजिन भी होगा, ऑरिजिन लोकेट कर लें कैसे, ऑरिजिन हमने मान लीजिए भाई को यहां लोकेट किया इस तरह, ये इस तरह ऑरिजिन ठीक है। तो देखो ऑरिजिन यहां लोकेट किया तो यहां इसको ड्राइव करा दिया, इससे बात समझ में आ रही है इस तरह से। अब हमने क्या किया, अब ऐसे कर सकते हैं ड्राइंग में कंप्लीट करने के लिए, एक का पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, और जिसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं मैंने वेक्टर्स में बताया था उसकी तरफ एरो हेड रखते हैं, तो ए की तरफ एरो हेड रखेंगे, या बी का पोजीशन में देखना है वेक्टर तो बी पे एरो हेड रखेंगे। और किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है हमेशा, जो कुछ भी नहीं बोला है ओके ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये वो क्या है ऑरिजिन, वो क्या है ऑरिजिन, मेरी बात समझ में आ रही है आपको नहीं आ रही। अब आप गौर से देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में, आप इस ट्रायंगल में देखिए मैं क्या कह सकता हूं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देखो सीक्वेंस में चल रहे ट्रायंगल लगा रहे हैं, सीक्वेंस कैसा लगा रहे, ये यहां से शुरू किया तो यहां से शुरू चले दैट इज ओ ए वेक्टर की तरफ चले, और फिर ए से चले ए बी वेक्टर की तरफ चले, कहां पहुंचे फाइनली पी पर पहुंचे, कहां से पहुंचे ओ से, तो क्या आ गया फाइनली ट्रायंगल की तीसरी साइड, इसको बता दिए यहां से पहुंचे यहां, तो यहां से ये मिशन और ये साइड, तो ये वाली साइड उनके रिजल्ट को बताया, इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ओ बी वेक्टर, इतना आपको समझ आया है। यहां से हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, यानी ए बी वेक्टर है क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर है, तो वो कितना आ गया हमारे पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओबी वेक्टर को हम कैसे पढ़ते थे, बी वेक्टर की पोजीशन, कुछ भी नहीं कहा तो किसके रेस्पेक्ट, ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ओ के रेस्पेक्ट, तो इसको बोलेंगे, इसकी क्या नाम बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको बात समझ में आ रही है ऐसे बोलेंगे, और इसको कैसे बोलेंगे, किस वाली चीज को, इस वाली चीज को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बोलना समझ में आया आपको ठीक है। और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखेंगे, बी कौन सी पोजीशन है फाइनल, ए कौन सी है इनिशियल पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, चाहे आपको मैं यहां लिख देता हूं छोड़ ठीक है। तो देखिए दोबारा अब हम कैसे लिखेंगे इस चीज को ठीक है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन ठीक है, समझ में आई आपको बात नहीं है इस तरीके से आएंगे ठीक। अब इतना समझ लिया हमने, अब कहेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, इस पर प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, तो देखिए मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, अ बॉडी मूव्स from a 1 minus 1 to meters to b, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2 1 1 meter, then find the displacement of the body, हमें displacement निकालना है, बॉडी कैसे मूव कर रही है, ऐसे भी एक कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेकिन चलने का रास्ता नहीं दिया है, किस रास्ते जा रही है, इससे ये समझ में आ गया कि हम इस केस में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, सिर्फ हमें इनिशियल फाइनल पोजीशन पता है और उनको मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी दैट इज ए बी स्ट्रेट लाइन, और उसकी लेंथ ही क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट का, तो ए इनिशियल पोजीशन बी फाइनल पोजीशन, ए बी वेक्टर ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्यों, उस सर्कुलर में जिस रास्ते जा रही है वो रास्ता चलने का नहीं मालूम, बात समझ में आ रही, क्यों नहीं लिया हमने कि डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, हर चीज समझ से चले, प्रॉब्लम करना ही है वो नहीं है हमारा मकसद, चीजों को समझते चले हर एक को, और लोग के अंदर देखो कैसे जाएंगे इस केस में, दोबारा एक एक कोऑर्डिनेट से ये डायग्राम बना लें, चाहे और बना लें कैसे,
सही से बनाओ उसको, ये बना के एरो हेड कहां आएगा, बी पर, ए पर कौन आएगी, टेन, ये क्लियर हुआ अपने को नहीं हुआ। अब ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, याद करो ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल है, तो पहले पोजीशन वेक्टर किसका था, फाइनल था यानी बी का, तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस फिर किसका आएगा इनिशियल पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसा कि फॉर्मूला है या डेफिनेशन है मैंने लिखा था पास कर गए, और पोजीशन वेक्टर बी के को ऐसे लिख सकते हो आप, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। दोबारा देखो बी का पोजीशन वेक्टर निकलने का तरीका हमने वेक्टर्स में सीखा था, किसी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, x y z कोऑर्डिनेट दिए हुए तो x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k लगाएंगे और सम कर देंगे, यानी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट दिए 2 1 1 तो क्या आ गया, 2 के साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k लगाना और सम कर देना तो क्या आ गया 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k। कितना क्लियर हुआ आपको, अब ए का पोजीशन वेक्टर देखना यानी ओ ए वेक्टर, तो इस ए के कोऑर्डिनेट से वो क्या है 1 माइनस 1 2, इसमें आइडेंटिटी चेक करो और ऐड कर दो कॉमन्स लगा लो और ऐड कर दो तो कितना आया, ऐड करने पर हमारे पास फाइनली क्या दे दो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के, यहां तक क्लियर हुआ आपको, सिंपलीफाई करो आई जे के को एक साथ कर लो तो ये फाइनली सिंपलीफिकेशन पे क्या आ गया आई कैप और क्या आ गया प्लस 2 जे कैप और क्या आ गया माइनस के, कितना क्लियर हुआ, ये हमारा आ गया ए बी वेक्टर, क्या आ गया हमारा ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रही है बात ठीक। अब दोबारा देखो क्या करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आ गया लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, यदि सिंपली डिस्प्लेसमेंट की उसको कहकर छोड़ देते जल्दी में तो इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेक्टर तो आ गया, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोबारा हम क्या करते थे देखो जरा, हम क्या करते थे इस तरह से कोई वेक्टर लेते थे ए वेक्टर तो उसके तीन कंपोनेंट लेते थे और उसे ऐसे लिखते थे, उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप, उसका वाई कंपोनेंट वाई हिस्सा जे कैप, जेड हिस्सा ए कैप जेड कंपोनेंट, और इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे अकेले के लिए, और क्या आ जाता था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह से इसी तरह इसको समझे तो ए बी वेक्टर को ऐसे मान लो, क्या मान लो आप P वेक्टर ले P वेक्टर, तो P वेक्टर कितना आ गया आपके पास I कैप प्लस 2 J कैप माइनस K। अब A वेक्टर के नाम है A X A Y A Z तो P के नाम तो हम लोग P X P Y P Z तो P वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे P X I कैप P Y J कैप और P Z K कैप, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही, P X कितना हो गया कंपैरिजन से कंपेयर करेंगे P X कितना हो गया 1, यहां कोएफिशिएंट आएगा px से यहां आएगा कोएफिशिएंट 1 प्लस की जगह प्लस देखो तो py कितना हो गया 2 फिर प्लस की जगह प्लस देखो नहीं है तो बना लो प्लस प्लस बनाने तो क्या आएगा माइनस के प्लस इनटू माइनस 1 के तो pz कितना हो गया माइनस 1 तो यहां पर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका मॉड इज इक्वल टू इसका मॉड सर सर देखो जिससे समझ में आएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इज इक्वल टू क्या हो गया p वेक्टर का मैग्नीट्यूड px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, मेरी बात समझ में आई तो ये कितना आ गया पी एक्स और पी वाई और जेड की वैल्यू पुट करते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इसमें माइनस 1 है तो ब्रैकेट लगा कर देखो ठीक है ये कोई ब्रैकेट लगा के देख सकते तो जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन के चांस नहीं थे तो कितना आ गया 1 4 1 तो कितना आ गया रूट 6 और क्या यूनिट आ गया यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या हुआ इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अंदर और इसका मॉड मॉड माने मैग्नीट्यूड यानी ओनली डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया रूट 6 यहां से मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्टेंस निकाल रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट निकाल तो कैसे निकालेंगे देखो आप तो बात देखो एक क्वेश्चन मैं लू जिसमें बॉडी मूव कर रही है बॉडी मूव कर रही है इस तरह से ये बॉडी मूव्स अलोंग बॉडी मूव्स अलोंग सॉरी बॉडी मूव्स 10 मीटर अलोंग नॉर्थ
एंटर अलोंग ईस्ट। थोड़ा इजी है ना, इससे थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, बड़ा बड़ा चले जाएंगे। बात समझ आ रही? देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडायरेक्ट टेक्निक, ऑफ इंडायरेक्ट टेक्निक, डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैसे करेंगे? दोबारा देखो कैसे करेंगे। देखो इस तरह से बना रहे, सोचेंगे नहीं ज्यादा कि स्ट्रेस किधर होगा, सिर्फ ऐसे बनाना हमेशा। ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। अब एक पॉइंट रोटेट कर लो और उससे नॉर्थ की तरफ चलिए, गलेटन नॉर्थ में ऊपर जाना, तो इस तरह से वो इस तरह बना। ये ए और ये बी एस बना दो, और कितना चली वो 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। उसके बाद अभी से किधर टर्न हो गई, वो ईस्ट साइड टर्न हुई, ईस्ट साइड टर्न हुई, इस तरह से सी पर बना, कितनी चली 10। तो कह रहा डिस्टेंस बताओ, पहली चीज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है क्या, वो कैसे चलनी, उसके चलने का रास्ता पता होना चाहिए, यानी मोशन का पाथ। पाथ मतलब मोशन का रास्ता, पाथ का मतलब है उसके चलने का रास्ता पता होना चाहिए। डिस्टेंस कितनी हुई, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन। उसको सर्किट में कैसे चली, तो सर्किट में चली ऐसे इस तरह स्ट्रेट लाइन 10 मीटर, बी तक पहुंची, और बी के बाद स्ट्रेट लाइन में फिर चली सी तक पहुंची, और कितनी 10 मीटर। तो कितनी एक्चुअल चली, तो डिस्टेंस हो गई ए बी प्लस बी सी। बात समझ में आ रही है? ए बी ये सचमुच में ऐसे चली एक्चुअल है, और ये भी चली प्लस बी सी, तो कितनी आई 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो दोबारा देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल रहे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में जाओ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या है, दूसरा पार्ट डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल कोएफिशिएंट की, पहले इनिशियल कोएफिशिएंट फाइनल कोएफिशिएंट। अगर ऐसे भी तक की स्टडी करें तो ए इनिशियल और सी फाइनल, अगर वो अकेला ऐसे भी तक की पूछे तो ए इनिशियल और बी फाइनल। वो डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन कि किस कहां से कहां तक की मोशन स्टडी पर डिपेंड करता है। तो इस केस में ए से सी तक यानी इंटायर जर्नी की पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट ए सी आ गया। इस तरह शॉर्ट डिस्टेंस कैसे होगी, जब उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इस तरह स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और ये शॉर्ट डिस्टेंस। बस समझ आ रही एस। अब ये आप देखें ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस तरह ये नॉर्थ, तो ये वाला किधर जा रहा है, वेस्ट साइड, ये वेस्ट साइड, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है 90। तो ये सामने वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल ओपोस नहीं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगा दो, तो AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कितना आ गया, पहले उसको पुट करें तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आ गया 10 रूट 10 स्क्वायर, अंदर ही कॉमन है, अंदर आ गया 10 स्क्वायर, बाहर निकालेंगे रूट की 10 स्क्वायर को तो 10 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि 10 के फैक्टर करेंगे 10 * 1 1 स्क्वायर 10 * 1 1 स्क्वायर, तो 10 * 1 स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर * 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या हो गया 1 1 क्या आ गया मीटर। ये आंसर बात समझ में आई आपको, ये ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक, थोड़ा सा मुश्किल केस है, थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है, तो मैं एक प्रॉब्लम और देखो, एक बॉडी है इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और ये सर्कल का सेंटर है, और बॉडी क्या कर रही है, एक पोजीशन है उसकी ए से इस तरह ए से कहां तक मूव करते हुए जा रही है, इस तरह यहां तक कितना एंगल है, मान लीजिए ये है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, और कहां तक पहुंच रही है, बी तक पहुंच रही है इस तरह पाथ के, और रेडियस कितनी दे रखी है, इस रेडियस दे रखी है स्मॉल ए आर जो भी है आर, ठीक है। अब इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और
कहां से कहां तक की स्टडी पूछी गई है, ए से बी तक। ए से बी तक के पैरामीटर पूछे गए कि डिस्टेंस कितनी होगी ए से बी तक के मोशन की और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बात समझ में आ रही है? मैं कंप्लीट यहां लिख देता हूं इसको। फाइंड डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। Displacement of motion from A to B। पास हो गया। दोबारा देखो, मैं इसको दोबारा बना लू ठीक है सॉल्व करने के लिए, तो कैसा आएगा कि दोबारा इस तरह। आप वीडियो लेक्चर से नोट्स भी बनाते चले साथ साथ, यानी कॉपी में लिखते चले। उस वक्त मैं नोटबुक से शॉर्ट भेजता था, नोट्स हो जाते थे आपके। अब यहाँ से तो आप खुद से उसको पेपर पे लिख के बना रहे हैं, पेपर पे लिखते जाए जिससे वो नोट्स हो जाए आपके पास। तो बना रहे ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, यहाँ तक चले प्लीज। इस तरह सब्जी में चलते चलते चलिए, लेकिन हम इसका डिजाइन जो कर रहे हैं ओ ए कितना है, रेडियस आर। ओ एज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ओ एज इक्वल टू रेडियस ठीक है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। अब यहां पर देखिए हम लोग, तो देखिए डिस्टेंस कितनी हुई, पहले पार्ट निकाले हम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो ए से बी तक कैसे चली हो। सपोज के चलने का रास्ता पता होना चाहिए, ए से चली इस कर्ट पाथ चली, तो यही जो सपोज के रास्ते चली सच में वो ऐसे चली, तो यही लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गई, कट लेंथ ए बी, यानी आर ए बी क्या हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं कर्व लेंथ ए बी या आर ए बी, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। बात समझ आई? अब हम ये आर्क लेंथ ए बी हुई, तो आर्क की डेफिनेशन जानते हैं या फॉर्मूला जानते हैं क्या है आर्क, ये एंगल और आर्क में क्या रिलेशन है, तो देखो ये हो, ये रिलेशन है। एंगल का फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, जबकि एंगल किसका होना चाहिए रेडियन में, डिग्री में नहीं रेडियन। तो यहां पर एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री, अब इस डिग्री को रेडियन बनाओ तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ये आधा सब नहीं आता ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे पाई रेडियन, ये रिलेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे नहीं पाई इज इक्वल टू 180, पाई इक्वल टू 3.14 होता है, पूरा बोलेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सिंपली कोई पूछे पाई की वैल्यू कितनी है, पाई तो पाई इज इक्वल टू 3.14, गलती नहीं करनी। ऐसे भी बोल सकते 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे कन्वर्ट कर सकते इस। बात समझ आई? अब हम देखें यहां से देखें तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि इस आर्क ने ए बी आर्क ने कितना एंगल सबट्रैक्ट किया यहां पर, ये थीटा किया और थीटा कितना है पाई बाई 3 रेडियन। बात समझ आ रही? इसने जो सबट्रैक्ट किया इस आर्क ने यहां ऐसे, ये सबट्रैक्ट करना मिला था, इस पूरे आर्क ने कितना सबट्रैक्ट किया, ये इस आर्क ने इस पूरे आर्क में यहां से यहां तक ये सब कट गया, छोटे आर्क में ये छोटे आर्क में सिर्फ ये किया। बस समझ आ रही आपको? तो पाई इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 3, और वो आर्क कितना आ गया आर्क ए बी अपॉन रेडियस कितनी है आर, तो ए बी आर की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई आर पाई बाई 3। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.14 कर सकते हैं, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही इस तरह की डिस्टेंस आ रही है यहां से, बात नहीं आ रही है समझ में आई या नहीं आई आपको, ये नहीं आए तो फिर डाउट भेज दीजिएगा ठीक है। अब देखो दूसरी चीज और निकालनी है हमें इसमें, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसे निकलना, तो दोबारा मैं यहां से रफ करता चलू, तो देखो ऐसे भी तक का निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, ए इनिशियल पोजीशन हुई और बी फाइनल हुई, क्योंकि ए से बी तक की स्टडी करा रहा है, स्टडी पर डिपेंड करती है जहां तक की स्टडी करा रहा है उस पर कि इनिशियल कौन से फाइनल कौन से, ए से बी तक की करा रहा है तो ए पर पहले मौजूद थी बी पर बाद में है, ऐसे चलने का रास्ता होता बी पर बाद में, चलने का रास्ता क्या होता तो बी पर पहले होती ए पर बाद में आती, तो ए फाइनल पोजीशन पे रहा था बी इनिशियल। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही इस तरीके से। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या वेक्टर का है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मैग्नीट्यूड ही निकालना सिर्फ, तो ए बी स्टेट है ए बी स्टेट है ये रहा देखो,
कौन ऑपोजिट लाइन से जॉइन कर रहा हो, जो चैप्टर डिस्टेंस दोनों के बीच में। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं, वो कैसे चली, उसके मोशन का रास्ता पता होना जरूरी है, पाथ का रास्ता पाथ पता होना चाहिए। पाथ का मतलब उसका रास्ता, इसका पाथ मोशन का पाथ, यानी उसके चलने का रास्ता पता होना जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है, वो कैसे चल के आई, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब उसका पाथ है, मोशन का रास्ता कैसा है चलने का, नहीं हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल, और इनिशियल माइनर को आप इससे टाइम से मिला दें तो शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो शॉर्ट डिस्टेंस कितनी आई, ए। तो ये अब ये बात समझ में आई, तुम्हारा एक डायग्राम इसी जगह पे दूसरा बना देता हूं। देखो आप जो जरूरत है वही डायग्राम बना देता हूं। तो किसकी जरूरत है हमारे पास, इस तरह ये ओरिजिन आया, ये ए आया, ये भी आया, ये एंगल आया, ठीक है। तुम बाद में लिख देंगे, बात समझ में आ रही। अब यहां एक चीज आप देखो, इससे हम क्या परपेंडिकुलर डालें, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सबसे पहले ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर, समझ में आ गई बात। अब ये दो साइड है, ये दो इक्वल है, तो यहां इस वर्टेक्स से जो मिल रही है ये दो साइड कहां मिल रही है, इस वर्टेक्स से मिल रही है दोनों साइड है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पार्ट ऑफ इस पार्ट क्या आएगा, बराबर, और ये क्या आएगा, 90 डिग्री। ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी एक प्रॉपर्टी हुई AB, AD is equals to DB, पहली property, और दूसरी एक perpendicular होगा, कौन सा, ODB, क्या होगा, angle ODB, ये दूसरी property, ये isosceles triangle की, जब दो साइड बराबर हैं, और उन दो साइड को मिलाने वाले vertex से आप perpendicular डालें, याद रखना perpendicular, ये नहीं कहीं से यहाँ से आगे perpendicular, नहीं, वो दो साइड यहाँ से जो मिल रहे हैं यहाँ पर, कौन सी दो साइड, जो इक्वल, इक्वल कौन है, AB और OB इक्वल है, क्या इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं हम O A is equals to O B is equals to radius, यानी radius यहाँ। अब दोबारा देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लें और ये वैल्यू निकाल दें, तो ये आ जाएगी इक्वल है, तो ये देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम देखें और हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी और ऐसी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थीटा बाय 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाय 2, यानी कि OD, ये OD इस एंगल थीटा का क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, क्या है, बाइसेक्ट। तो हमें समझ में आ गया कि एंगल, ये तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, ओडी बाइसेक्ट ऑफ एंगल कहलाएगी, एंगल तीसरी प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिए हम इस ट्रायंगल में, दोबारा देखो इस ट्रायंगल में ओ डीबी में, ओ डीबी में देखे हम, देखो दोबारा बी बी ओ, ये थीटा बाय 2। अब ये निकालना है हमें, ये निकालना है, कौन सी मालूम है हमें, वो भी मालूम है, तो ये मालूम है, तो क्या ले रहे हैं, निकाल लेंगे ये 90 है, ट्रायंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हम साइन ले लें, साइन में परपेंडिकुलर आ रहा है, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बात समझ में आ रही, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर कौन आ गया, डीबी, और हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, ओबी, तो डीबी निकालना है ऐसे ही, तो ओबी क्या है, पार्ट, मेरी बात इतनी समझ में आ रही हो, यहां फाइनली हमारे पास क्या निकल कर आ गया, देखो जरा फाइनली जो निकल कर आया क्या आ गया, डीबी की वैल्यू निकल कर आ गई, डीबी कितना आ गया, कैपिटल आर साइन थीटा बाई 2, यानी इसका मतलब पहले थीटा का आर लेंगे और फिर उसका साइन लेंगे। अब हम देखे हमें निकालना क्या था, ए भी निकालना था, तो ए भी है क्या, ए भी इज इक्वल टू, ये ए भी इज इक्वल टू, ए भी इज इक्वल टू बी डी, तो ए भी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द ए डी एट प्राइस ऑफ द बी डी, ऐसा बोल सकते, बात समझ में आ रही है, और ये वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसा ट्रायंगल का केस होता है, वेक्टर्स में भी हमने पढ़ा था, वहां आया था 2 बी साइन थीटा बाय 2, उसी की तरह आया, वहां वेक्टर्स का केस देखना था इलास्टिक वेक्टर का, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे पास, 2r sin pi by 3 by 2, ओवर ऑल सिंपलीफाई और कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 by sin pi by 6, ठीक है, ठीक है, यह pi by 6 कितना होता है,
डिग्रीज में, ये रेडियन है 30, साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 कितना आएगा ऐसे लिख सकते 2r साइन 30, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 30 1/2, तो कितना आ गया हमारे पास कैंसिल आउट करने पर r, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया r, दिखाई दे रहा है ठीक है, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं ठीक है, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट इस तरह लिख देता हूं, फ्रेंड यहां आ गया या ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया ए से बी तक का, दैट इज ए बी लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन की लेंथ, और वो लाइन सेगमेंट को आया वो आ गया, और डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आई आर इनटू पाई बाय 3 ठीक है, इस तरह से निकालेंगे ठीक है, चलो आगे चलते हैं चीजों को लेकर, अब हम पढ़ते हैं ये कुछ चीजें हो गई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, अब पढ़ते हैं हम स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में दोबारा ठीक, स्पीड और वेलोसिटी स्पीड की डेफिनेशन बता देता हूँ फिर हम इसको छोड़ देंगे और काफी होगा, स्पीड स्पीड है क्या, डिस्टेंस मेजर्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट है, यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकंड में, यूनिट टाइम का मतलब है एक मिनट में, यूनिट टाइम का मतलब है एक घंटे में, उसमें कितनी डिस्टेंस है, तो क्या कहलाएगी इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्पीड को, हम ऐसे लिखते हैं वी से बताया वी, और ऐसे लिखते हैं सफिक्स एस के लिए स्पीड ठीक है, तो वी एस स्पीड इज इक्वल टू क्या आया, डिस्टेंस अपॉन एन ठीक है, इस तरह ठीक इस तरह, और डिस्टेंस को हम बताएं एस से, तो एस अपॉन टाइम को बताएं टी से ठीक है, इस तरह बताएंगे ठीक, इस तरह जैसे कि बताना चाहे इस तरह ले सकते हैं ठीक है, अब इस तरह ठीक है, यूनिट टाइम है डिस्टेंस इतनी है, यूनिट टी टाइम पर बॉडी चल रही है, ऐसे भी लिखेंगे t टाइम में बॉडी की डिस्टेंस कितनी चल रही है, बॉडी डिस्टेंस h चल रही है, a टाइम में कितनी चलेगी s भाई, तो यूनिट टाइम की डिस्टेंस क्या है, यूनिट टाइम की डिस्टेंस ये आई, तो यूनिट टाइम की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पीड क्या बोलेंगे, यूनिट टाइम में चली गई डिस्टेंस स्पीड के लिए, अब यहां पर देखें हम स्पीड अलग अलग तरह की स्पीड होती है, उसकी टाइप्स क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड, और तीसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है, अब देखो हमें लेके चले इसकी कैसे डिफाइन करेंगे इन चीजों को, एक एक करके लेके चले, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे तुम्हारा, उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम, उस स्पीड को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड,
समझ में आ रही है? जैसे कोई बॉडी है थ्रू द मोशन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इतनी स्पीड से वो चल रही है और ये क्या है कॉन्स्टेंट बदल नहीं रही है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलना उसको बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसमें डिफाइन करेंगे? सबसे पहली चीज इन्हें टाइम इंटरवल, इन्हें टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे। टाइम इंटरवल का मतलब दो टाइम मोमेंट के बीच में, बात समझ में आ रही है? या ऐसे भी कह सकते हैं हम बिटवीन टू पोजिशन, एक पोजिशन इनिशियल पोजिशन, दूसरी फाइनल पोजिशन, ऐसे डिफाइन करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इन चीजों को समझा दूं कि इंटरवल क्या होगा और टाइम मूवमेंट क्या होगा। दोबारा एक बॉडी से मूव कर रही है, वो एक पोजिशन और बी पर आ गई, ये करंट पास चल रही है बी पर आ गई। तो यहां पर घड़ी में टाइम देखा हमने, तो टाइम हो रहा है जैसे टी वन, कौन सी वॉच चलाई? स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच जीरो से शुरू करी फिर काउंटिंग कर रही है, काउंटिंग करते करते यहां पर हो गया 10 सेकंड, टी इक्वल टू 10 सेकंड, तो यहां टी इक्वल टू टी यानी यहां पर आ गया टी इक्वल टू 15 सेकंड, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ये 10 सेकंड स्टॉपवॉच और ये 15 सेकंड, तो ये टाइम इंटरवल कितने का होगा? 5 सेकंड का। कौन सा टाइम इंटरवल कहलाएगा? टी इक्वल टू 10 सेकंड से टी इक्वल टू 15 सेकंड तक का एक इंटरवल होगा, इंटरवल एक हुआ, टाइम इंटरवल एक हुआ। लेकिन मूवमेंट्स कौन से कहलाएंगे? ये एक मूवमेंट कहलाएगा, ये टाइम का दूसरा मूवमेंट, ये टाइम मूवमेंट शुरू में यहां थी तो ये शुरू वाला टाइम मूवमेंट, ये इनिशियल टाइम मूवमेंट, क्यों? यहां पे इनिशियल पोजीशन है तो इसके कॉरेस्पोंडिंग इनिशियल टाइम मूवमेंट, ये फाइनल यहां पहुंची यानी फाइनल टाइम मूवमेंट, फाइनल पोजीशन इसके कॉरेस्पोंडिंग फाइनल टाइम मूवमेंट। तो दो टाइम मूवमेंट के बीच में क्या होगा? एक टाइम इंटरवल, ऐसे तो ये एक इंटरवल इस
पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, बी पर ओपी हो सकेगी बी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ए इंडिपेंडेंट यहां पर कोई सी हो तो सी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, या डी हो तो डी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, इस तरीके से ये आज के लिए काफी है। ठीक है, और आप इस एक्सरसाइज में अभी ठीक है आज के लिए।